नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस मेडिसिन के बारे में, इस टैबलेट के बारे में जिसका नाम है ग्लाइसिगोन एम एस आर टैबलेट। ग्लाइसिगोन एम एस आर टैबलेट एरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी का बहुत ही शानदार बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है अपने गुणों के कारण। आइए बात करते हैं ग्लाइसिगोन एम एस आर टैबलेट के बारे में, इसके होने वाले फ़ायदों बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, ये टैबलेट डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बनाई गई है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर में शर्करा यानी कि शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शुगर की मात्रा नॉर्मल करने के लिए आप लोग इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटीज़ यानी कि शुगर एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। ये शरीर में बहुत सारे नुकसान जैसे कमजोरी आना, आँखों की रोशनी कम होना, बालों का सफ़ेद होना, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, शुगर लेवल के बढ़ने पर ये सारी समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं। इसलिए इसका इलाज करना बहुत ही अधिक ज़रूरी है। ग्लाइसिगोन एम एस आर टैबलेट शरीर में बढ़ी हुई शर्करा यानी शुगर की मात्रा को नॉर्मल करती है। ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है जो शरीर में शुगर की मात्रा को नॉर्मल करती है, साथ ही साथ आपके शरीर की कमजोरी को भी दूर करती है। आइए बात करते हैं इसके अंदर डले हुए कॉम्पोनेंट के बारे में। तो इसमें ग्लाइकलेजाइड पड़ा हुआ है 80 मिलीग्राम में। इसके अलावा मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड पड़ा हुआ है 500 मिलीग्राम में। ये दोनों जो कंपोनेंट है ये आपकी शुगर लेवल को नॉर्मल करने का काम करते हैं, उसे नॉर्मल बनाए रखते हैं। बात करेंगे इसकी कंपनी के बारे में, तो एरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी का ये बहुत ही शानदार बेहतरीन प्रोडक्ट है। अब हम बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में, तो 78 रुपीज़ यानी कि 78 रुपये में आपको ये 10 टैबलेट कहीं से भी मिल जाएंगी। कहीं से भी आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। एक्सपायरी की बात करें तो लगभग 2 साल की इसमें आपको एक्सपायरी मिल जाती है। हमेशा एक्सपायरी देखने के बाद मेडिसिन का इस्तेमाल करें, मेडिसिन का यूज़ करें। अब हम बात करेंगे इसका यूज़ करने का क्या तरीका है उसके बारे में। तो इस टैबलेट का इस्तेमाल आप लोग दिन में 1 से 2 टैबलेट पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो अगर आप लोग इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो लीवर इन्फेक्शन होना, एसिडिटी, एब्डोमिनल पेन, ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।